ये वीडियो वायरल है। वायरल क्यों है? इस वीडियो को देखकर पता तो चल ही गया होगा। आप हम क्या, जिसने भी ये वीडियो देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। इस भयावह मंजर को देख दिल कांप उठा। जरा सोचिए, ये कार जिस हालत में इस वीडियो में दिख रहा है उसमें सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। कार में सवार लोगों का क्या हुआ वो हम आगे बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो में जो कुछ भी नजर आ रहा है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के विकास नगर इलाके के सेक्टर 4 में बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि सीएम योगी के पीडब्ल्यूडी विभाग की कलाई खुल गई, क्योंकि बारिश की वजह से इस इलाके की सड़क अचानक ही धंस गई, जिसकी वजह से 20 फीट गहरी खाई भी बन गई। अब इसी गहरी खाई के ना तो अंदर और ना ही सड़क पर एक कार बीच में ही झूलती नजर आ रही है। अब आते हैं उस सवाल पर। सवाल ये कि कार सवारों का क्या हुआ और क्या इस कार को बचाया जा सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी पहुंचे, जिसके बाद कार और कार सवार लोगों को बचाने की कोशिशें शुरू की गई। सबसे पहले तो पुलिस ने इसके आसपास के इलाके की नाकेबंदी कर दी, फिर क्रेन कर्मियों को जल्द से जल्द मौके पर बुलाया गया, फिर कड़ी मशक्कत के बाद गड्ढे में आधे ऊपर और आधी लटकती कार को सुरक्षित सड़क पर उतार लिया गया, जिसकी वजह से कार चालक और उसमें सवार लोगों की जान बचाई जा सकी। उसके बाद सबकी सांस में सांस आई। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ हो। बीचों बीच सड़क धंस जाना लखनऊ के लिए शायद आम सी बात हो गई है। लखनऊ के विकास नगर इलाके में ही 2022 में ऐसे ही एक 20 फीट का गड्ढा अचानक बन गया था। हालांकि उस घटना में भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से हल्की बारिश भी सड़कों पर गड्ढे कर दे रही है वो बेहद चिंताजनक है। सवाल ये है कि योगी सरकार और खुद सीएम योगी भी भारत के साथ यूपी में भी तेजी से विकास होने के दावे करते नजर आते रहते हैं। इन तस्वीरों से उनकी कलाई क्या साल दर साल नहीं खुल रही है? सीएम योगी की विभाग अगर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई होती तो ना 2022 में और ना ही आज बीच सड़क पर 20 फीट गहरी खाई बनी होती, ना ये कार इस तरह लटकी नजर आई होती और ना ही घंटों इस लटकती कार में फंसे लोगों की जान हलक में अटकी होती। बहरहाल यूपी में तो विकास हो ही रहा है, बस ऐसे वीडियोज के वायरल होने से रोकने के उपाय बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करना होगा। अब जनता का क्या, उनकी याद तो बस चुनाव के वक्त ही आती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।